हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का काम धंधा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिस बिजनेस को आप अपने घर से ही कर सकते हैं बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। सिर्फ 5000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा और इस बिजनेस को करके आप काफ़ी अच्छा मुनाफा अपने घर से ही कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और इस वीडियो को पूरा एंड तक, पूरा आखिर तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिस बिजनेस को सिर्फ आप 5000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप अपने घर से शुरू कर सकते हो। आप अगर कहीं पे जॉब करते हो तो अपने खाली समय में इस बिजनेस को कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अपने खाली समय में इस बिजनेस को अपने घर से ही करके डेली का 1000 से 2000 रुपए बड़े आराम से इस बिजनेस से कमा सकते हैं। आपको इस तरह से सभी प्रकार के जो खड़े मसाले होते हैं उसके पैकेट बनाने हैं, छोटे छोटे पैकेट बना करके आपको इस तरह से स्टैपलर की मदद से इस फुट्टे के ऊपर स्टैपल करके पूरा एक सेट बना के मार्केट में बेचना है। आप इस तरह से काजू, बादाम, किशमिश, ड्राई फ्रूट की भी पैकिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, धनिया, आप काली मिर्च, इलायची और सभी प्रकार के मिक्स मसाले जैसे कि इलायची, लौंग, इसकी भी इस तरह की पैकिंग करके आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा इस बिजनेस से कमा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का बिजनेस करने के लिए आपको इस तरह के लंबे स्टेपलर की जरूरत होगी। इसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके खरीद सकते हो। उसके बाद दोस्तों, इस तरह की प्लास्टिक की पन्नी, प्लास्टिक के पाउच आपको खरीदनी है नजदीकी प्लास्टिक के स्टोर से। और उसके बाद दोस्तों, मार्केट से इस तरह से आपको कार्डबोर्ड पेपर खरीदना है। आप प्रिंटिंग प्रेस वालों से इस तरह के ऊपर, इस तरह से आपकी कंपनी का नाम इसके ऊपर प्रिंट करा सकते हो। और इस तरह से जो प्लास्टिक के पाउच है, इसमें सभी प्रकार के मसाले और सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट को इस तरह से इसमें पैक करना है। आप इस तरह के छोटे पाउच के अंदर आप इसमें धनिया पैक कर सकते हैं, जीरा पैक कर सकते हैं, लौंग पैक कर सकते हैं, काली मिर्च पैक कर सकते हैं, दालचीनी को पैक कर सकते हैं। इसके अलग अलग छोटे पाउच बना करके इस तरह से स्टेपलर की मदद से इस कार्डबोर्ड पेपर के ऊपर स्टेपल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप इसमें लौंग के छोटे पाउच बना सकते हैं, सौंफ के छोटे पाउच बना सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर के इस तरह के छोटे पाउच बना करके भी इस कार्डबोर्ड पेपर के ऊपर स्टेपल करके पूरा एक सेट बना करके दुकानदार को बेच सकते हैं और इस तरह से काफ़ी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस तरह से अगर 10 पीस का सेट बनाते हैं, जैसे कि आप जीरे का 10 पीस का सेट बनाते हैं, दोस्तों ये आपको बन करके 20 से 30 रुपए में बन के रेडी होता है। आप शॉपकीपर को बहुत ही आसानी से 50 से 60 रुपए में बेच सकते हैं, जिससे कि आपको प्रति सेट के पीछे 20 से 30 रुपए का मुनाफा बड़े आराम से होगा। इस तरह से दोस्तों, आप सभी प्रकार के मसालों का आप अलग अलग पैकेट छोटे छोटे बना करके भी इस तरह से स्टैपलर की मदद से इस कार्डबोर्ड पेपर के ऊपर स्टैपल कर सकते हैं और इस तरह से सबके अलग अलग प्रकार के सेट बना करके मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान बिजनेस है, इसको कोई भी कर सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। कोई भी अपने घर से अपने खाली समय में इस बिजनेस को कर सकते हैं और इस बिजनेस को करके इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आप जिस तरह से देख रहे हो बादाम की पैकिंग हो रही है, इसी प्रकार दोस्तों आप सभी प्रकार के जितने भी मसाले हैं उसकी पैकिंग कर सकते हैं, जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश के अलावा आप इसमें मसालों में जैसे कि आप लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, काली मिर्च, इसके अलावा दोस्तों आप जीरा, इस तरह के छोटे पाउच बना करके इस तरह से स्टेपलर की मदद से इस कार्डबोर्ड के ऊपर स्टेपल करके आप दुकानदार को बेच सकते हैं और इस तरह से प्रति सेट के पीछे 20 से 30 रुपए का मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आप धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इसके साथ साथ दोस्तों आप हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर को भी इस तरह से पैक करके आप 5 ग्राम या 10 ग्राम के पाउच बना करके पैक करके आप इस तरह से कार्डबोर्ड पेपर के ऊपर वो पाउच को स्टेपल करके भी पूरा एक सेट बना करके मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से बने हुए प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से आप बेच पाएंगे दुकानदार को, क्योंकि दोस्तों दुकानदार को भी इस तरह के प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए बेचना बहुत ही आसान होता है और छोटे पाउच होने की वजह से कस्टमर को देने के लिए उनको दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से दोस्तों, आप देख रहे हो वीडियो के अंदर, जैसे कि आप काली मिर्च के आप छोटे पाउच बना करके स्टेपलर की मदद से इस तरह से पूरा एक सेट बना सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप इस तरह से बने हुए सेट को बहुत ही आसानी से दुकानदार को बेच पाएंगे। दोस्तों, 12 पीस का सेट है जो बन करके दोस्तों 30 से 30 रुपए तक आपका बन के रेडी होता है, जिसको आप दुकानदार को 60 रुपए में बेचेंगे और दुकानदार पर पीस 10 रुपए के हिसाब से कस्टमर को बेचेगा। इसी प्रकार दोस्तों, जीरे के पाउच बना सकते हैं आप छोटे, 5 रुपए में बिकने वाले या 10 रुपए में बिकने वाले। इसी प्रकार दोस्तों, आप दालचीनी के इस तरह के छोटे पाउच बना करके इस तरह से स्टैपलर की मदद से इसके ऊपर स्टैपल करके पूरा एक सेट बना सकते हैं।
दोस्तों ये भी 5 रुपये में बिकता है। इसके बाद दोस्तों इलायची थोड़ी महंगी होती है, ये 15 रुपये से 20 रुपये में बिकता है। इस तरह से दोस्तों आपको छोटे पाउच बनाने हैं और इसको कस्टम दुकानदार को दोस्तों 100 से 120 रुपये प्रति सेट के हिसाब से बेचना है, क्योंकि इलायची थोड़ी महंगी होती है। इसी प्रकार दोस्तों आप जीरे का, सौंफ का, इसके अलावा सभी प्रकार के जो मसाले होते हैं उसका भी छोटे छोटे पाउच बना सकते हैं और इस तरह के पैकेट बना करके पूरा एक सेट बना करके दुकानदार को बेच सकते हैं। दोस्तों इस तरह के कार्डबोर्ड पेपर आप अपने नज़दीकी जो पेपर की दुकान होती है, जो जहाँ पे आपको इस तरह के पेपर्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ से कार्डबोर्ड खरीद करके उसके ऊपर प्रिंट करा के अपने कंपनी के नाम प्रिंट करा सकते हैं। और इस तरह के दोस्तों छोटे पाउच, जैसे कि आप देख रहे हो काली मिरी के पाउच हैं, इसी प्रकार दोस्तों आपको सभी प्रकार के जितने खड़े मसाले हैं उसके पाउच बनाने हैं। चाहे तो आप मिक्स मसालों का पाउच बना करके भी 10 रुपये में बेच सकते हैं और आप इस तरह से बने हुए पैकेट को बहुत ही आसानी से सभी दुकानों में सेल कर सकते हैं। और इससे दोस्तों दिन का 1000 से 2000 रुपये बड़े आराम से आप पार्ट टाइम भी बिजनेस करके इस उद्योग से कमा सकते हैं। दोस्तों आपको नज़दीकी की जो मसाले की दुकान होती है होलसेल, वहाँ से मसाले खरीदने हैं और ड्राई फ्रूट को खरीदना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से पैकिंग मटेरियल खरीदने के बाद में इस तरह से छोटे छोटे पैकेट में पाउच करके इस तरह से स्टैपलर की मदद से इस पुट्टे के ऊपर स्टैपल करके पूरा सेट बना करके आपको दुकानदार को बेचना है। दोस्तों बहुत ही आसान बिजनेस है, इसको कोई भी कर सकता है, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी अपने घर से इसको कर सकता है। आप भी दोस्तों इसको करके इस बिजनेस से दिन का 1000 से 2000 रुपये बड़े आराम से इस उद्योग से कमा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप भी इस उद्योग को करके अगर आपके पास अगर खाली समय है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और इस बिजनेस को करके इस बिजनेस से अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप सभी प्रकार के मसाले, जैसे कि मसाले के अलावा दोस्तों आप जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर को भी इस तरह से पैक कर सकते हैं इस तरह के छोटे पाउच में, और उसका भी दोस्तों इस तरह से एक पूरे बंच बना करके, पूरा एक सेट बना करके स्टेपलर की मदद से इसके ऊपर जो कार्डबोर्ड पेपर के ऊपर आप सभी प्रकार के धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और इस तरह से लाल मिर्च पाउडर को भी इस तरह का बंच बना करके मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों इस तरह से अपने खुद के नाम से बने हुए प्रोडक्ट को मार्केट में बेच करके दोस्तों आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से इस बिजनेस को अगर आप बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको फूड लाइसेंस लेने की ज़रूरत होगी। आप अपने नज़दीकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाकर फूड लाइसेंस ले सकते हैं और इस उद्योग को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। कुछ पूछना है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।